नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी, 2024 में चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर बेहतर रिजल्ट बनाए जाते हैं, गठबंधन में चुनाव से हमारी पार्टी को नुकसान होता है। गठबंधन से बसपा को फायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ है, हमारी पार्टी को धांधली की वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण वोट बसपा को पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसलिए बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी से दूरी रखेंगे, अधिकांश दलों की मानसिकता जातिवादी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम के विरोध में अब बहुत आवाज़ उठी, देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि यूपी में हमारी योजनाओं की नकल की जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। मायावती ने आगे कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था, अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। इन योजनाओं को सरकार नाम और स्वरूप बदल कर अपना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जातिवादी होने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। मायावती ने हमला करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार देने की बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर अपना मोहताज बनाया जा रहा है, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान वर्तमान सरकारों को जैसे लोगों को अपना मोहताज नहीं बनाया, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह अपना बयान बदला है, साथ ही संन्यास की बात भी बेबुनियाद बताया है। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिरकार मालदीव के साथ चल रहे राजनयिक विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हर कोई हर समय भारत का समर्थन ही करेगा। मालदीव के साथ में नागपुर में टाउन हॉल बैठक में पैदा हुए तनाव के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि राजनीति तो राजनीति है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश में हर कोई हर समय हमारा समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वे है देशों के साथ संपर्क को मजबूत बनाना। हम काफी हद तक सफल हुए हैं, हमने पिछले 10 सालों से कई देशों से अच्छे संबंध बनाए हैं। जयशंकर ने राजनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद लोगों के बीच सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्तर पर मजबूत संबंध बनाने के लिए पिछले 1 दशक में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव वाली हो सकती है, लेकिन उस देश के लोगों की भारत के प्रति अच्छी भावनाएं हैं और वे अच्छे संबंध रखने के महत्व को समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य देशों के बुनियादी ढांचे में विकास में भारत की भागीदारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें सही रास्ते पर नहीं जाती हैं, तब आपको सब कुछ सही करने के लिए तर्क देना पड़ता है। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद उस समय पैदा हुए जब मालदीव के 3 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनकी हाल ही आई लक्षद्वीप यात्रा की आलोचना की, भारत की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की और विरोध दर्ज करने के लिए मालदीव के राजदूत को तलब कर दिया था। अगली खबर, मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा का रविवार रात को लखनऊ के SGPGI अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे, वे कई महीनों से बीमारी से जूझ रहे थे और SGPGI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वे कैंसर, किडनी और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा कि उनके पिता को सोमवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। राणा के बेटे तरवेज राणा ने कहा कि बीमारी के कारण वे 14 से 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें पहले लखनऊ के मेदांता और फिर SGPGI में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार करीब रात के 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शायर के परिवार में उनकी पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा है। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे राणा को उर्दू साहित्य और कविता के उनके योगदान, विशेषकर उनकी गजलों के लिए व्यापक रूप में पहचाना गया है। उनकी काव्य शैली अपनी सुगमता के लिए उल्लेख थी, क्योंकि वे फारसी और अरबी से परहेज करते हुए अक्सर हिंदी और अवधी को शामिल करते थे, जो भारतीय श्रोताओं को पसंद आते। उनकी सबसे प्रसिद्ध गजल माँ थी, जो पारंपरिक गजल शैली के में माँ के गुणों का जश्न मनाती थी। अपने पूरे करियर के दौरान राणा ने कई पुरस्कार मिले, जिनमें काव्य पुस्तक शाहबाद के लिए 2014 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। हालांकि देश में बढ़ती अहिष्णुता के से खिन्न होकर उन्होंने बाद में पुरस्कार को लौटा दिया था। उन्हें प्राप्त अन्य पुरस्कारों में अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार शामिल हैं। उनकी रचनाओं की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। राणा ने अपने अधिकांश जीवन कोलकाता में बिताया और भारत और विदेशों में दोनों में मुशायरों में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहती थी। अगली खबर, 15 जनवरी को भारत का 76वां सेना दिवस है। भारतीय सेना
सेना इसे राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के अटूट संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ मनाती है। सेना का कहना है कि इस दिन हम अपने उन बहादुर जवानों को भी याद करते हैं जिन्होंने कि राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर भारतीय सेना के सेना दिवस को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय सेना के वीर साथियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाल एवं वीर वीरांगनाओं के अदम्य साहस, सेवा एवं समर्पण पर राष्ट्र को गर्व है। चाहे बाहरी खतरा एवं आंतरिक चुनौतियों से दृढ़ता से निपटाना हो या फिर आपदा के समय मदद में हाथ बढ़ाना हो, सेना के जाबाजों ने हर भूमिका में प्रभावित किया है। भारत सेना ने एक संगठनशील व अनुशासन प्रिय बल के रूप में विश्व विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने बदलते युग की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने को लेकर सजग रहा है और देश में भी सभी सुविधाओं एवं संसाधनों समेत अन्य सैन्य वीरों के साथ खड़ा रहा है। सेना दिवस के अवसर पर सभी उन वीर शहीदों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। अगली खबर, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मालदीव के साथ झगड़ा इसलिए कर रही है ताकि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। राउत ने यहां तक कह दिया कि इस बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं हुई तो इसकी कभी मालदीव से झगड़ कर पूरी की जा रही है। कुछ ही महीनों में देश के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत से मालदीव और भारत के विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई तो चुनाव से पहले बीजेपी मालदीव से झगड़ा करने में लगी है। जिसके पास आर्मी नहीं है उससे लड़ रहे हैं ताकि चुनाव में इसका फायदा उठा सके। भारत और प्रधानमंत्री मोदी की को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। शिवसेना नेताओं को अभी तक राम मंदिर उद्घाटन करने मंत्र नहीं मिला है। इसे लेकर संजय राउत ने कहा कि भगवान राम बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी रही है। जिनको बुलाया है उनको तो जाना ही चाहिए, जिसको नहीं बुलाया है उसे भी जाना चाहिए। राम सबके हैं। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के वक्त एक्टिव रही शिवसेना किसी भी नेता, यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे तक को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी जिस जगह पर राम मंदिर बनाने की बात कर रही है वहां मंदिर नहीं बनाया गया है। यह विवादित जगह आज भी वैसी ही है। मंदिर वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहां नहीं बना है। इस पर बीजेपी को बात करनी चाहिए। अगली खबर, इस बार पर जोर देते हुए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि ऐसी संभावना है कि मौजूदा सरकार के संख्या बल थोड़ा कम हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे दृढ़ता से लगता है कि उन्होंने उस स्तर तक नीचे लाया जा सकता है जहां कई संभावित सहयोगी के उनके साथ शामिल नहीं होंगे चाहेंगे। कोझिकोड समुद्र तट पर आयोजित केरल साहित्य महोत्सव के दौरान राजनेता लेखक ने कहा कि यह देखते हुए कि भारत में विविध रंग हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इंडिया गठबंधन को सभी राज्यों में पूर्ण समझौता करना पड़े। इंडिया गठबंधन के सदस्यों के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात करते हुए थरूर ने रोकी जा सकने वाली हर हार सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों में एक व्यवस्था की उम्मीद जताई। कांग्रेस नेता ने केरल तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि केरल की यह कल्पना करना कठिन है कि सीपीएम और कांग्रेस सीट बंटवारे पर सहमत होंगे। हालांकि तमिलनाडु में सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और डीएमके एक साथ है और कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और इस बार भी लड़ेंगे, संभावना है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तथ्य से परिचित करना जरूरी है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि केवल वाराणसी के लोग मोदी को वोट दे सकते हैं। खैर, अन्य जगहों पर यह केवल सुनिश्चित करने के लिए मतदान कराना चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, तो यह पूरी तरह से उनकी पसंद है। हालांकि लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि क्या वे एक प्रभावी प्रशासक चाहते हैं जो उनके क्षेत्र के लिए अच्छा हो। आखिरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 10 साल के शासन को अन्यायकाल करार देते हुए कांग्रेस ने रविवार को मणिपुर के थौम्बल जिले से 66 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा 15 राज्यों से होकर 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थौम्बल जिले के खोकजोम युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। यह स्मारक 1891 में अंतिम एंग्लो मणिपुर युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बस से यह दूरी तय करेंगे। वह कई कुछ प्रमुख जगहों पर पैदल मार्च भी करेंगे। यात्रा मणिपुर में एक दिन में 107 किलोमीटर, 4 अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड में 2 दिनों में 257 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 1 दिन में 55 किलोमीटर, मेघालय में 1 दिन में 5 किलोमीटर और असम में 8 दिन में 833 किलोमीटर को कवर करेगी। यात्रा शुरू करने से पहले ही राहुल गांधी ने एक विशाल सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान
राहुल गांधी ने कहा कि 8 महीने से अधिक समय से चल रहे जातीय दंगों के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास मणिपुर आने के लिए समय नहीं है। राहुल गांधी ने आगे भी कहा कि हम बड़ी संख्या में लोगों की जाने के दर्द, दुख और नुकसान को समझते हैं। हम आपसे मणिपुर में सद्भाव, शांति और स्नेह वापस लाने का वादा करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें हमारी पिछली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के दौरान अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। लाखों लोगों ने साथ दिया, बहुत से लोगों से बातचीत हुई है। पिछली यात्रा के दौरान कांग्रेस ने सभी क्षेत्रों के लोगों की बात सुनी और फिर उनसे लोगों की मन की बात सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।